राजस्थान की आर्थिक प्रगति और देश की सामरिक मजबूती के लिए हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान को कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की सौगात दी। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की पहल में आज कई ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें महत्वाकांक्षी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से राजस्थान की प्रगति को नई गति मिलेगी। इसी के साथ राजमार्गों का चौड़ीकरण, पुलों, आरओबी, बाईपास और रिंग रोड के निर्माण से राजस्थान समृद्धि की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। उसी क्रम में आज 1,357 करोड़ रुपए की लागत से 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। आज लोकार्पण होने वाली परियोजना है गुजरात में दीसा को राजस्थान के बाड़मेर और जालोर जिले से जोड़ने वाली NH 168A पर सचौर नेनावा खंड का चौड़ीकरण कार्य। इससे जालोर जिले के ग्रेनाइट उद्योगों के व्यवसाय में वृद्धि होगी और किसानों की सूरतगढ़ मंडी तक पहुंच में आसानी होगी। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं राजस्थान को पंजाब से जोड़ने वाली NH 911 पर 670 करोड़ रुपए की लागत से श्री गंगानगर रायसिंह नगर 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर का निर्माण कार्य और NH 62 सूरतगढ़ से श्री गंगानगर का सुदृढ़ीकरण कार्य। इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंचना आसान होगा तथा सड़क के दोनों तरफ स्थित मिलिट्री स्टेशन तक पहुंचना सरल हो जाएगा, जो भारत की सामरिक शक्ति को बढ़ाएगा, तरक्की के नए आयाम खुलेंगे। सूरतगढ़ शहर में इंदिरा सर्किल पर 4 लेन फ्लाईओवर के निर्माण से सुरक्षित जाम मुक्त यातायात सुनिश्चित होगा। NH 68 गांधव सांचोर गुजरात सीमा खंड के सुदृढ़ीकरण से गुजरात और राजस्थान के पर्यटन स्थल जैसलमेर और जोधपुर के बीच कनेक्टिविटी सुगम होगी, स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी। जालौर शहर में 1 किलोमीटर 4 लेन आरओबी के निर्माण से लेवल क्रॉसिंग के जाम से निजात मिलेगी। सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने के लिए रेक्टिफिकेशन का काम शुरू किया जा रहा है। ये है पिंडवाड़ा उदयपुर सेक्शन पर एलिवेटेड रोड और रीअलाइनमेंट, जयपुर किशनगढ़ सेक्शन पर 6 फ्लाईओवर, जयपुर किशनगढ़ सेक्शन और किशनगढ़ अजमेर ब्यावर सेक्शन पर 6 फ्लाईओवर और 2 VUP के निर्माण कार्य। इन परियोजनाओं से ईंधन की बचत होगी, दुर्घटनाओं में कमी होगी, औद्योगिक, कृषि, परिवहन और पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा, सशस्त्र बलों को सीमा से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा और आत्मनिर्भर राजस्थान खुशहाली और प्रगति की ओर तेजी से अग्रसर होगा।